अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। अच्छा जी, आपको पता है ईद के दिन अफ़ान घर आया था, तो दोपहर का टाइम था, तो सुबह सुबह मैंने सेवियाँ बना नहीं सकी, लेकिन ये जो सेवियाँ ना मैं उबाल के ऊपर शक्कर और दही डाल के खाती हूँ, इसलिए मैं ही खाती हूँ और मैं अपने लिए बॉयल करती हूँ। तो मुझे ये था कि मेरी तो ईद शुरू ही नहीं हुई, तो मैंने आते ही ना सबसे पहले अपनी सेवियाँ बनाई, वो खाई, फिर आराम से मैंने सोचा कि अब मैंने क्या करना है, क्योंकि जब ईद ईद के दिन ऐसे सारा मसले मसाइल खड़े हो जाए ना, फिर समझ नहीं आते कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें। तो बच्चों के लिए मेरे नागर्स और विंग जो है ना, वो मैंने एयर फ्राई में रख दिए थे और साथ मैंने अपनी सेवियाँ खाई, और ये जो प्रेशर में खा रही हूँ ना, इसमें बन रही है दाल ईद वाले दिन मेरे बेटे के लिए। तो ये गोश्त थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ ना, ये हमारे हमसाए हैं, 15 साल बाद पहली दफ़ा हमें कुर्बानी का गोश्त आया, और मैंने कहा नहीं, जो ये लेके आया ना वो नहीं बनाऊंगी, मैंने कुर्बानी का गोश्त ही बनाना है। इसका जायका देखूंगी, इसकी खुशबू सूंघूंगी, कैसी है ईद की जो गोश्त है ना, उसकी खुशबू सूंघूंगी। चलो जी, आफिया नहीं, सबसे पहले ये किसका है? मामा आपका। चलो जी, अब लुकमान साहब, अब आपका। और अब किसका है? ये मिशाल का। और अब है आफिया का। और अब है फनो का। चलो जी, अब आफिया आफिया फन वही अच्छी लग रही है आफिया, है ना? कितने मुझे दे दो, मुझे दे दो बिट्टे। अब मिशाला को कितने फुर्सी टेस्ट है? चलो सबको बोलो ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। गोश्त मैंने चढ़ा दी है, दाल मैंने चढ़ा दी है, बच्चों को खाना खिलाया, और ये मॉर्निंग करवा रहे हैं। मुझे यह था कि चलो बच्चे कपड़े पहने घूमे फिरे, इनको भी लगे ईद है। तो नॉर्मल तो बच्चे सच्ची में बताओ ना, जो बड़े बच्चे ना, वो जब अफ़ान घर आए ना, उसी को देख के वो खुश हो गए थे कि अल्लाह का शुक्र है मामा, हमने कहीं नहीं जाना, हम 2-3 दिन अकेले रहे हैं, तो हम लोगों ने ना इकट्ठे रहना है, कहीं नहीं जाना, हम ये जो घर में रह के जो मिस किया ना, ये हम मज़ा लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, तो उन्होंने कपड़े पहने हैं, तीनों ने, बल्कि छोटे तीनों ने पाए ने, बड़े ने तो कोई नहीं पाए, तो वो इसको देख देख के अफ़ान को खुश हो रहा था। तो आज मैं ना अफ़ान को दिखा रही हूँ ताकि सब आप देख रहे, सब कहते उसको दिखाएं दिखाएं उसकी शरारतें, तो सब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूर एक दफा बोल दे। अब मैं कोशिश करूंगी काम ही लेके आऊँ इसको, क्योंकि इसको माशाल्लाह बांदर को ना नजर लग जाती है, शरारतें करता है, तो मैंने नजर प्यार की होती है, ये नहीं कि आप लोगों की नजर लगती है, लेकिन भी ये भी एक प्यार ही होता है एक किस्म का। तो अब मैंने कहा चलो मैं ना आपको दिखा दूं कि ये जो मैंने कपड़े आपको दिखाए थे ना, वो एक दफ़ा पहन ले, बच्चे देख रहे हैं। तो ये हमारी ईद हो गई, तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग है, जो नाश्ता हमने मिस किया था ना ईद के, जो हम इकट्ठे खा करते हैं, वो मैं अब बनाने लगी हूँ, चने बनाने लगी हूँ, मतलब के क्या बनाने लगी हूँ मैं, हलवा पूरे 7 चने। चने मैंने सिंपल ऑयल डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, उसकी बनाई की है, और उसके अंदर नमक मिर्च हल्दी शिमला, वो शिमला मिर्च नहीं कश्मीरी मिर्च डाली है, और गरम मसाला डाल के उसकी बनाई की है, और साथ मैंने एक जो है ना तकरीबन 1 कप कह लें चने हैं, वो मैंने बॉयल करके रखे थे वो डाले हैं, और इसको बनाई करके पानी डाल के ना इसको मैं रखूंगी दम पे। तो इसके बाद गूंदूंगी आटा, ये भी एक स्पेशल होता है कि लाजमी बात है, नाश्ता ऐसे बनाते बनाते तो वैसे ही अपनी भूख मर जाती है, लेकिन फिर क्या करें ना, उन दिल तो करता है ना खाने, जब सोफे पे बैठ के सोचे ना फिर बड़ा करता है, कि उस वक्त जब करते ना उस वक्त ये होता है कोई आके बना दे, लेकिन जैसे मैं ऐसे भी उठती हूँ ना कि नहीं नहीं बनाना ही बनाना है, तो जब बना लेती हूँ फिर बाद में सच्ची में खा ही नहीं जाता। तो अब मैं आटा गूंदने लगी हूँ, 1 कप मैंने लिया मैदा, और 1/2 कप लिया नॉर्मल आटा चक्की का, और नमक डाला, ऑयल डाला है, और उसको मैं नीम गर्म पानी से ना इसकी गुंदाई कर लूँगी, हाँ, क्या लफ्ज़ बोला, गुंदाई। इसको गूंद लूँगी, गूंद के ना थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ढाम के रख दूँगी, ताकि ये अपनी ना एक थोड़ी सी जो शक्ल है ना वो वाली आ जाए, उतनी देर में मैं हलवा ना वो बना लेती हूँ। तो चने के जो लास्ट लुक है वो आप देख ले, मैंने सिंपल बनाए हैं, कोई इसमें एक्स्ट्रा ये नहीं करना वो नहीं करना, साथ दाल अक्सर कोई मसूर की दाल भी मिक्स कर लेता है, लेकिन मैंने सिंपल सिर्फ चने बनाए हैं। तो अब मैंने देसी घी डालूंगी 2 चम्मच, और 1 कप से थोड़ी सी कम जो सूजी है ना वो मैं लूँगी, जितनी मैंने सूजी लेनी है ना तकरीबन उतनी ही मैंने चीनी लेनी है। तो ये देखिए ये सूजी है तकरीबन 1/4 कप, पौना ही कही देना, हाँ 1/4 कप डाल के इसकी मैं अच्छी तरह बुनाई करूँगी, इसकी खुशबू और निकले, तो इसकी बुनाई करते करते साथ ही मैं चीनी भी ऐड कर दूँगी,
नॉर्मल मैंने जो जब मैंने डाला था ना देसी घी, उसके अंदर मैं इलायची डाली थी हरी वाली, जब उसकी कड़क कड़क की आवाज़ है फिर मैंने डाली थी सूजी। तो अब मैं जो है ना चीनी डाल के उसकी बुनाई करके, तो मैंने तकरीबन 2 कप जो मैंने जिसके साथ मैंने नापा था ना, नाप किया था चीनी और वो सूजी का, वही कप लेके 2 भर के मैंने पानी डाल दिया है, और साथ में थोड़ा सा कलरफुल डालूंगी जरदा रंग, ताकि वो चने वाली फील आए ना, वो जैसे हम जाते हैं खाने सुबह नाश्ता करने पाकिस्तान में जो खाते हैं उनको पता है, वो वाले जो हलवे की जो ना वो फील आए इस कलर में अगर मैं करूँगी तो। तो मैंने वो फूड कलर डाल के 2 कप पानी डाल के हल्की आंच पे मैं बनाएगी, और हल्की आंच पे मैंने इसको पकाया है। अच्छा जी, मैं ना जो मेवे जात ना वो मैं ज़्यादा इसलिए जर्दी में भी आपने देखा होगा मैं नहीं ऐड करती, और हलवे भी मैंने नहीं किया क्योंकि इनको पसंद नहीं है, बार बार दांतों के साथ नीचे आते हैं, तो ये सिर्फ ये सोगी वगैरह ये जो किशमिश है यही मैं बस डालती हूँ। तो जब कोई मेहमान वगैरह आते हैं ना फिर मैं बड़ी चीज़ें डाल लेती हूँ, लेकिन जब खुद खाना आता है फिर मैं कम ही डालती हूँ, क्योंकि ये कहते हैं मुझे दांत के नीचे आते मुझे अच्छी नहीं लगती, तो ये निकालने करके ना साइड पे करते हैं, फिर वो आपको पता ज़ाया जाती हैं, तो इसलिए मैंने ना बचा लिया, नहीं मैं कंजूसी, फिर मैंने ज़ाया करनी है फिर बंदा पाए ही ना। तो अब मैंने ना एक प्लेट में ऑयल कर लिया और पेड़े बना के ना इसके मैं रख लूँगी और ढाँप लूँगी, जैसे जैसे मुझे चाहिए होगा पेड़ा तो मैं इसको निकाल के फ्राई कर लूँगी। अच्छा, साथ साथ मैं नाश्ता बनानी नाल ना मैं थोड़ी गल्लां कर लैना, मैं किन्ने दिन हो गए ना तुहाडे नाल कोई गलबात नहीं कीती, कोई गुफ्तगू ही नहीं कीती, तो मैं भी बड़ी मिस करती हूँ, क्योंकि ये जो मैं आपके साथ ऐसे ही बात करती हूँ जैसे आप सामने बैठे हैं, क्योंकि जब मुझे पता तब फील आता है जब मैं बोल जाऊँगी ना, तो रात को जब मैंने वीडियो अपलोड करनी है और जो उसके मुझे मेरी बोलने के जो मुझे जवाब आते हैं, फिर मुझे ऐसे ही फील होता है कि आप लोग मेरी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं, और फिर मुझे मज़ा भी आता है, लाजमी बात है। तो मैं साथ साथ नाश्ता बना लें तो नाल ना तुम मेरी थोड़ी थोड़ी गल्ला सुनोगे, कि मैं भी इन्ना कुछ काबू पा के रखा है, तो मुझे ये कि चलो थोड़ी थोड़ी मैं भी आपके साथ बात कर लेती हूँ। चलो तुम हम दसो ताड़ी कैसी गुजरी ईद, साड़ी तो ना माशाल्लाह फन घर आ गया, तो साड़ी ईद डबल ईद हो गई, तो तुम जरूर मैंने दस्यो ताड़ी कैसी कैसी गुजरी ईद, आज दूसरा किसी जगह पाकिस्तान में दूसरा दिन है, यहाँ पे तीसरा दिन है, तो आप लोग भी शेयर करना, लाजमी बात है गोश्त ही पकना है, गोश्त एक गोश्त उन्हों तुसी बॉयल कर लेंदे, और तुसी कोरमा बना लेंदे, उसे गोश्त में तुसी बिरयानी बना ले पेंदे, आजकल ना गोश्त 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 हो रहा है। तो मैं पाकिस्तान में जिसको फ़ोन करती हूँ ना, तो मैं अब ये नहीं पूछती क्या पकाया, क्योंकि उन्होंने गोश्त को ना किसी और रूप में उसका नाम बदल के बता देना है, होना अंदर गोश्त ही है, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। मैंने कहा चलो, मेरी आज सुबह सिस्टर भी बात कर रही थी, आज पूछे ही नहीं कि ये पकाया, तो मैं मैंने पता तुम्हें की कहना भी, वो तो गोश्त कल तुम क्या कौरमा तो अज तुम पुलाव कह दोगे, मतलब तो है कि अज गोश्त की बहार आने हर पास। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसने कुर्बानी दी है ना, तो ये 2-3 दिन जो जिनके घर में कुर्बानी नहीं हुई, जो नहीं खा सकते पूरा साल भी नहीं जो गोश्त खाते, तो उनकी भी ज़रूर नज़र में रखें, उनके भी घरों का ख्याल रखें। तो मुझे पता है कि जो कुर्बानी करते हैं वो तो लाजमी बात है देते ही देते हैं, तो ये है कि चलो जो नहीं करते उनको भी मिले, उनको भी हिस्सा मिले, ताकि वो भी अपनी ईद में हमारे हम लोगों के साथ ना वो शामिल हो जाए। तो एक अच्छी गल भी तो नाल फिर करनी होंगी ना, फिर बनती है, साडा कहना बनता है। चलो जी, मेरा नाश्ता जो है ना वो तकरीबन हो गया रेडी, तो अब इसको मैं लेके जाती हूँ, कहाँ लेके जाती हूँ, चलो लेके जाने हैं दस्तरखान ते, उत्थे तुहानू हुण मिलने आ। चलो जी, ये देखें मेरे चने का लुक देखें, बड़े मज़े के बने थे, और साथ मैंने हलवा बनाया था, तो आज काफ़ी दिनों के बाद ना सच्ची में नाश्ते का भी एक भरपूर मज़ा आया, बेशक मैंने थोड़ा खाया है, लेकिन सब खा लेना तो अपना दिल ना भी करे ना, तो खुशी वो मिल जाती है जब सब कहते हैं वाह वाह ऐसे जब करते हैं ना बच्चे, तो फिर बड़ा मज़ा आता है देख के, बड़ी खुशी होती है कि चलो शुक्र है मैं मेहनत की है, तो सारे मज़ा आया, सारे खुश हो गए ने, तो लाजमी गल है इंज के दिन में फिर एक चीज़ इंजी होनी चाहिए है कि चलो सब इकट्ठे बह के ना जरा मज़ा ले लें। पूरियां जो है ना वो पूरियां कहते हैं ना, कि पूरियां कहते हैं पूरियां जो भी मैंने वो गिन के बनाई हैं, जितनी जितनी कोई खाएगा उतनी उतनी बनाई हैं, ताकि पड़ी ना रहे ना। तो चने भी देखें, लोग चने ज़्यादा बनाते हैं, हलवा थोड़ा बनाते, मैं हलवा इन्ना बना लिया तो चने मेरे थोड़े से हैं। चले कोई नहीं, ये हूँ तुम मैनू दो इजाज़त, तो मैं कर ला नाश्ता, तो इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, आप अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें, तो कल तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।